ऐशान कुरैशी जी, अगर हम आपके यादों की बात करें तो किस तरीके का अनुभव रहा था? और अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी फोन लाइन पर बात हुई थी तो आपने कहा कि क्षति तो बहुत बड़ी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कैसे याद करेंगे आप राजू श्रीवास्तव जी को आज? तो ऐशान जी के पास जाएंगे, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। अनामिका जी आपके पास आ रहे हैं, कला जगत से जुड़े राजू श्रीवास्तव, कला जगत से जुड़ी आप, और पूरा कला जगत स्तब्ध है आज, बहुत बड़ी क्षति है। मंच को संभालती थी आप भी, संभालती हैं मंच को, संभालते थे राजू जी भी, और मालिनी जी भी ने भी आज एक मंच की ही चीज़ साझा की थी। कितनी बड़ी क्षति है और क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? बिल्कुल अवधेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आज पूरा देश, यदि यकीन मानिए कुछ लोग आंसुओं से रो रहे हैं, कुछ लोग दिल से रो रहे हैं, यदि पूरा देश यदि आज रो रहा है तो उसके पीछे कारण ये है कि वो केवल कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के ही दिल में नहीं रहते थे या अभी भी हमारे दिल में यदि हैं, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको हम छोड़ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। जो लोग उन्हें सुनते थे, जो लोग उन्हें पसंद करते थे, जो लोग उनको उनके बहुत सारे ऐसे घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं एक बात आपसे साझा करती हूँ, राजू श्रीवास्तव जी के साथ जब मैं पहली बार मंच साझा किया था, मैं बहुत जूनियर थी, नई मैं मंचों पे आई थी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, तो हमने सुना हुआ था बड़े कॉमेडियन एक आ रहे हैं और राजू श्रीवास्तव जी, और भी थोड़े पहले की बात है, राजू श्रीवास्तव जी के साथ सबसे अच्छी बात कौन सी थी कि वो अपने से जो उनके जूनियर हैं या जो उनके और ज़्यादा जो नए लोग आए हुए हैं, ऐसे कोई कलाकार हैं तो उन्हें कभी भी असहज महसूस नहीं होने देते थे। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात थी। कैसा भी कलाकार है, कोई भी है, राजू श्रीवास्तव जी का बड़प्पन वहाँ से दिखाई देता था। कहते हैं कि आसमान तक पहुँचना कठिन नहीं है, वहाँ पर ठहरना कठिन है। राजू श्रीवास्तव जी वो व्यक्तित्व थे जो आसमान तक ना सिर्फ पहुँचे और वहाँ पर ठहरे भी रहे। और आज यही कारण है कि कोई भी क्षेत्र हो, पूरी दुनिया इस समय, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया इस समय उनको याद कर रही है, उनके लिए आंसू बहा रही है। वो व्यक्तित्व जो हंसते हंसते लोगों के कानों से होकर के दिल तक पहुँचता था, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। और ये बहुत दुखद तो है ही, बल्कि सवा महीने से हम सब ये इंतज़ार कर रहे थे उनकी। मैं तो पिछले दिनों उनके भाई दीपू श्रीवास्तव जी के संपर्क में भी रही, उनसे पूछती भी रही, तो लगातार यही पूछा जा रहा था आप कैसी है तबीयत, तो यही एक विश्वास था। वो गजोदर भाई लोग, गजोदर भैया लौट के आएंगे करके लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे, इसलिए बहुत लोगों को तो अभी तक ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल, और उनको तो आना था, ये सभी को उम्मीद थी और किसी को ये उम्मीद तो कम से कम नहीं थी कि ये खबर आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।